हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और खुश हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि ज़रूरी था। ये काफ़ी टाइम मैं बिजी था कि कुछ काम था, मेरे को कुछ काम स्टार्ट किया मैंने, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बहुत बिजी हो गया था। और अभी मैं कुछ जगह है जहाँ पे घूमने के लिए गया था, और मंदिर वगैरह, मंदिर में गया था क्योंकि यहाँ पे मैं सालासर गया था और मुकाम गया था जो हमारा नेस मंदिर है गुरु चंपेश्वर का, वहाँ पे भी गया था। तो आपको शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर वॉइस नहीं दिया क्योंकि मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, और बोल के सजाना तो कहाँ से पॉसिबल है। एक जगह तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया था मंदिर में कि वीडियोस नहीं बना सकते आप लोग, वहाँ पे लिखा होता है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है मार्केट का, बाहर का जो भी वीडियो बनाने की कोशिश की, जितना कर सका मैंने किया है। और बाकी मैं वॉइस ओवर करके आपको दिखाऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में। और आज मैं अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका ही चैनल है, मेरा तो बहुत कम है। क्योंकि आप लोग देखोगे, मैं ही देखूंगा, और मैं बांटूंगा और आप खाओगे, प्रसाद है ये मेरा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अब निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे, सबसे पहले तेल डलवाना है। तो दोस्तों, हमने तेल डलवा के टंकी करवा ली है फुल। अब हम जा रहे हैं पुनरा तरफ, पुनरा सर की तरफ। पुनरा सर में वीर बजरंग बली जी का मंदिर है, वहां पे अंजनी माता जी का भी मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं। चलिए, अब फाइनली हम पुनरा सर गांव में पहुंच चुके हैं। मंदिर की तरफ जा रहे हैं गलियों में से निकलते हुए, क्योंकि हम शॉर्टकट रोड से आए थे, वहां से गलियों में घुसते हुए गांव के अंदर से मंदिर की तरफ जाना होता है। तो हम मंदिर का आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, अंदर का व्यू दिखाऊंगा, वहां पे पुराना मंदिर है वो भी दिखाऊंगा, जहाँ पे खेजड़ी है, पुरानी मूर्ति है बजरंगबली जी की वहां पे, और जो मेन मुख्य मंदिर है वो तो घुसते ही आ जाता है दरवाजे के अंदर। तो आपको बाहर से और अंदर से दिखाऊंगा मैं पुनः सर बजरंगबली जी का मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच गए हैं, और ये देखिए बाहर का व्यू है। यहाँ पे छप्पर बना हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए यही जगह है यहाँ पे। तो ये है पुराना मंदिर जहाँ पे खेजड़ी और पुरानी मूर्ति है, ये खेजड़ी पे नारियल और ध्वजा टांगते हैं लोग। तो ये मुख्य मंदिर है जिसका निर्माण भी चल रहा है, साथ में बन रहा है, दरवाजे से घुसते यही मंदिर आता है। तो ये दोस्तों, यहाँ पे माथा टेका जाता है, ये मुख्य मंदिर है वीर बजरंगबली जी का, ये मंदिर का। और उधर वो खेजड़ी वाला मंदिर जो आपको दिखाया था, अभी यहाँ से हम निकल के चलते हैं अंजनी माता जी के मंदिर के लिए। अभी हम पुनरा सर से अभी अंजनी माता का मंदिर है उधर जाएंगे, बालाजी का मैंने दर्शन कर लिया है, और वहाँ पे हम पूजा माथा टेक के निकल चुके हैं, पूजा करके निकल चुके हैं। अभी हम जाते हैं अंजनी माता जी के मंदिर में। अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपका अंजनी माता जी का मंदिर। सो आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा शायद मंदिर, ये मंदिर है इधर, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है इधर, और दिखने में भी बहुत अच्छा है। इसका मैप वगैरह सब चीजें हैं, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको जाके भी। तो दोस्तों, अंजनी माता जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये बाहर मंदिर का डिजाइन रखा हुआ है, तो ये देखिए बहुत भव्य मंदिर है। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों यहाँ पे मंदिर में पहुंचते ही। ये इधर साइड में हैंडीकेप्ट के लिए जो बना हुआ है, ये हैंडीकेप्ट के लिए बना हुआ है आने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है, दोनों तरफ पार्क है, ये इधर भी पार्क है और इधर भी पार्क है, गार्डन अच्छा बनाया हुआ है। और ये अंदर का बहुत प्यारा डिजाइन बनाया गया है, वीडियो अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बनाया है, पुजारी जी देख रहे थे मुझे। ये बाहर का डिजाइन है, दरवाजे का डिजाइन देखिए कितना प्यारा है, ये बाहर का, चारों तरफ से इतना प्यारा बनाया गया ये मंदिर, आप देखोगे ना, देखते एक बार स्तब्ध रह जाओगे। बहुत हिंदी, बारिश तेज हो चुकी है, और ये डिजाइन आप ध्यान से देखिए कितना प्यारा लगता है ये मंदिर, बहुत प्यारा लगता है पास से देखने से। आप लोग भी आइए यहाँ पे, माथा टेकिए, पुनरा सर आओ तो अंजनी माता जी के मंदिर में जरूर आना। ये दो तीन, हार्डली 2-3 किलोमीटर दूर है बजरंगबली जी के मंदिर से। ये डूंगरगढ़ की तरफ जाते हैं, उस रोड पे हैं। तो ये देखिए दरवाजे पे डिजाइन कितना प्यारा है, ये देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा प्यारा डिजाइन बनाया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर डिजाइन है। आज भी डिजाइनर्स, ये कलाकार ऐसे ऐसे बैठे हैं जो ये सब डिजाइन करते हैं, शायद मशीनों से भी होता होगा लेकिन इंसान के दिमाग से ही होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, बारिश की वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे
पीपा सर की तरफ। पीपा सर वाला आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। देखिए अभी पीपा सर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो दोस्तों वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पुन्नासर मंदिर बालाजी का, कमेंट में बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, आप लोग भी जाइए, बीकानेर से 50 किलोमीटर और श्री डूंगागढ़ से 40 किलोमीटर दूर है बजरंगबली जी का, आप जाइए जरूर, मनोकामना सबकी पूरी करते हैं बाबा बजरंगबली। और वहाँ जाओ तो आप अंजनी माता जी का मंदिर जरूर देखना। वहाँ पे तो वहाँ पे दो मंदिर है बालाजी का, एक पुराना मूर्ति है वहाँ पे खेजड़ी है, खेजड़ी के पास जहाँ पे नारियल और दशा बांधते हैं लोग। और जो नया मंदिर बन रहा है, जो मेन मंदिर है उसका निर्माण चल रहा है, तो आप लोग भी जरूर जाइए, माथा टेकिए, मनोकामना पूरी होगी, बजरंग बली सबका भला करते हैं, आपका भी होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पीपा सर लेके चलते हैं। बाय।